तो दोस्तों आज के इस छोटे से ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे फेसबुक पेज कैसे बना सकते हैं। और यकीन मानो यार, इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप सबको समझ भी आ जाओगी। जो बंदा फेसबुक का यफ नहीं जानता वो भी फेसबुक बनाना सीख जाएगा, और जो इंग्लिश समझता है थोड़ा बहुत वो तो यार आसानी से बना लेगा, ऑटोमेटिक अपने खुद से बना लेगा, किसी ट्यूटोरियल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो यार चलो यार हम लोग सीखते हैं कि फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, आप फेसबुक पेज बना करके लगभग महीने का बहुत ही अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हो, 50,000-1,00,000 कुछ भी अर्न कर सकते हो। बस आपके ऊपर डिपेंड है, आपके फॉलोअर कितने हैं, व्यू कितने आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यार मैं एक बात बता दूं कि ये फेसबुक पेज में यार अर्निंग कम होती है बजाय यूट्यूब से, यूट्यूब के बजाय फेसबुक पेज में अर्निंग कम होती है। अगर यूट्यूब पर 1,000 व्यू पर $1 बनता है, तो फेसबुक पेज पर 40,000 व्यू पे $1 बनता है, 40,000 व्यू पे। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, देख पा रहे हो ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फेसबुक पे से अर्निंग थोड़ी कम होती है। तो आप अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर हैं, मिलियंस में फॉलोअर हैं, लाख में फॉलोअर हैं, तो आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो फेसबुक पेज बना करके। तो आइए यार बिना समय गंवाते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है। तो लेट्स गो। फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे 3 लाइन जो दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना होगा। आफ्टर देने यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपके पास आपके अकाउंट में कोई भी पेज नहीं बनाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोफाइल दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे जितना भी रहेगा आपका पेज होगा, जैसा कि मैंने 2 पेज बना के रखा है तो दोनों पेज मेरा दिख रहा है, इस प्रकार से दिखेगा पेज क्रिएट करने के बाद। अगर आपके पास पेज नहीं है तो दिखेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पेज क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, इस पेज वाले आइकन पे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्ट। उसके बाद क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है ना, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, नया बनाना है तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट योर पेज, ठीक है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एंड पेज का नाम देंगे, जैसे कि मैं अपना पेज बना रहा हूँ टेक शत्रु के नाम से, टेक शत्रु, ठीक है, टेक शत्रु लिख दिया। उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कैटगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैमरा, फोटो, पर्सनल ब्लॉग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे सर्च कर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेक सर्च मैं करता हूँ तो यहाँ पे साइंस एंड टेक आ जाता है, या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे मेरा टेक का चैनल है तो मैं यहाँ पे टेक का कैटगरी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो टेक का कैटगरी यहाँ पे है साइंस एंड टेक, ठीक है। उसके बाद एक और चाहे आप बहुत सारा इसमें कैटगरी ऐड कर सकते हो, जैसे कि एक और मैं ऐड कर लेता हूँ टेक से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे टेक एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ये भी ऐड कर लेता हूँ, और एक और ऐड कर लेता हूँ टेक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद मैं एक और भी ऐड कर लेता हूँ इंजीनियरिंग सर्विस, नहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, इसको भी ऐड करता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी ऐड करने के बाद अपना और एड्रेस और सिटी ऐड करेंगे। अगर आपके पास एड्रेस नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ महाराजगंज, यहाँ पे महाराजगंज मैंने सर्च किया और यहाँ पे महाराजगंज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे महाराजगंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखिए नौतनाव बाज़ार उत्तर प्रदेश, ठीक है, 2731-65 यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दूँगा यहाँ पे, एक सेकेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से मैंने अपना लोकेशन ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, या तो उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव ए वेबसाइट फॉर टेक शत्रु, कि आपके पास अगर वेबसाइट है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वरना आई डोंट हैव ए वेबसाइट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, आप तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैं अभी ऐड कर लेता हूँ स्टार्टिंग में ही, ताकि मुझे बाद में ऐड ना करना पड़े। आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा सा फ़ोटो देख करके देख रहा हूँ, वो यहाँ पे मिल गया, मैं अपना यहाँ फ़ोटो ऐड कर लिया, ठीक है। तो सेव पे क्लिक कर दूँगा, हमारा फ़ोटो ऐड हो जाएगा। तो हम कवर अपना बाद में ऐड करेंगे, तो बना करके डन पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे फेसबुक पेज क्रिएट होके रेडी हो चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है कंटेंट व्हाट्सअप टू फेसबुक, आप फेसबुक से व्हाट्सअप से फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ऐड नहीं करूँगा अभी, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू पे
क्लिक तो नहीं हो रहा फिलहाल, यहाँ पे इस पर टाइप करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा है इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे सेट योर पेज अप फॉर सक्सेस फॉर कंप्लीटिंग फ्यू सिंपल टेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप। ये कह रहा है कि आप ये कुछ सिंपल स्टेप से आप कुछ अपना पेज सेटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अभी ऐड हम बाद में करेंगे, तो सेव पे फिलहाल क्लिक कर देते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो अपने फ्रेंड को, स्वाइप अप यहाँ पे स्वाइप अप करके यहाँ पे अपने फ्रेंड को, जितने आपके पास प्रोफाइल पे फ्रेंड है ना उनको इनवाइट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी इनवाइट नहीं करता हूँ। तो ज्वाइन ग्रुप भी करवा सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, क्रिएट ए पोस्ट पे क्लिक कर सकते हो, कोई पोस्ट नहीं ऐड कर सकते हो, सेट ऑटोमेटेड मैसेजिंग कर सकते हो, और पेज बटन फॉर विजिटर और पेज भी ऐड कर सकते हो, और लोकेशन भी डाल सकते हो, वेबसाइट भी ऐड, और हावर्स कितने घंटे आप काम करते हो भी ऐड कर सकते हो। तो यार मैं अभी फिलहाल इसको क्लोज करता हूँ, अपने सेटिंग में जा करके मैं अपने सेटिंग अच्छे से मैं आपको ऐड करके सब कुछ दिखाता हूँ। तो ठीक है, तो गेट रिकमेंडेशन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है डू हैव ए कम टू योर बिजनेस लोकेशन, आपके पास बिजनेस लोकेशन, आई डोंट अप्लाई में यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है डू हैव ए वेबसाइट, नो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वेबसाइट है तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो डू यू वांट टू पीपल टू कॉन्टैक्ट यू, अगर आप ये चाहते हो मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट है आपके पास, यानी कि आप जितने मोबाइल नंबर सेव किए हो अगर उससे लोग जुड़ना चाहते हैं अच्छे सजेशन से, तो आप यस पे क्लिक करके कर सकते हो, ऑटोमेटिक जुड़ने लगेंगे और उनको आपका पेज जो है उनके फेसबुक पे रिकमेंड करेगा फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू पीपल कॉन्टैक्ट यू सेलेक्ट अप्लाई दे कॉल मी, आपकी पूछ रहा है कि कैसे पीपल आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किस तरीके से। तो दे मे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रीच आउट द मैसेज ऑन फेसबुक। तो यार मैं यहाँ पे सब मैं क्लिक कर सकता हूँ, कॉल ओनली मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा, मैसेज और व्हाट्सअप पे नहीं क्लिक करूँगा, बस इतना ही क्लिक करूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर सम टॉपिक और ऑडियंस माइट लाइक, तो इंटरेस्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट पूछ रहा है ऑडियंस इंटरेस्ट, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अब कह रहा है चूज 6 फोटो और दैट बेस्ट प्रेजेंट टेक्स्ट थ्रू, अब कह रहा है 6 से आप लगभग 6 फोटो और वीडियो जिसपे आप अपलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो, जिसपे आप थंबनेल वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैं ऐड नहीं करूँगा, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो गेटिंग योर इन्फॉर्मेशन लिख रहा है यहाँ पे क्रिएट ऐड पे नहीं क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल मैंने उतना चीज़ सेट किया, तो अब मैं आपको अच्छे से सेटिंग करके दिखा देता हूँ किस तरीके से सब कुछ लगाया जाता है, सब कुछ सेटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले यार हम लोग यहाँ पे क्रिएट ए बटन पे क्लिक करेंगे, तो क्रिएट ए बटन क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी फिलहाल रहने देते हैं। तो यहाँ पे मोर सेटिंग पे क्लिक करके हम लोग अपनी सेटिंग भी कर लेते हैं अच्छे से। ओके, तो हम लोग एडिट पेज पे क्लिक करके अपना एक बार फिर से सब कुछ एडिट करेंगे। तो पेज इंफॉर्मेशन देंगे, पेज हेडर यानी कि आपका जो बैनर आपके यहाँ पे ऐड कवर फोटो बैनर लगा हुआ वो दिखेगा। यहाँ पे आपका टेक्स्ट थ्रू का एक आपका एक यूज़र नेम, यानी कि यहाँ पे आपका यूज़र नेम भी दे सकते हो, यहाँ पे आपका लोगो भी दिखेगा। तो मैं यूज़र नेम एक देखता हूँ अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबल रहेगा तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा यूज़र नेम टेक्स्ट थ्रू के नाम से। तो यूजर नेम अवेलेबल है, तो दैट्स इट, बहुत ही अच्छा है, यूजर नेम अवेलेबल है, आप यहाँ पे यूजर नेम ही सेलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको इस नाम से आपको सर्च किया जा सके। तो ठीक है, तो क्रिएट यूजर नेम पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम बन के रेडी हो गया है, यहाँ द यूजर नेम टेक शत्रु हैज़ बिन क्रिएटेड फॉर टेक शत्रु। तो ठीक है यार, यहाँ पे पेज मेरा यूजर नेम ही बन गया, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आ रहा है टेक शत्रु। एक बार फिर से हम लोग सेटिंग में जाएंगे, अच्छे से सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो एडिट पेज पे क्लिक किया और पेज हेडर तो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, पेज इंफॉर्मेशन में जाएंगे, डिटेल यहाँ पे सब कुछ डिटेल है आपका, यहाँ पे आप बैनर भी चेंज कर सकते हो, अपने पेज का लोगो भी, वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो, फोन नंबर भी दे सकते हो, ईमेल नंबर भी दे सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ कि दिस इज ऑफिशियल पेज ऑफ शत्रुघ्न। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख देता हूँ वी कैन फाइंड हियर टेक रिले वीडियो। मैंने यहाँ पे इतना चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर लिया, तो आपको भी किसी प्रकार से डिस्क्रिप्शन ऐड करना, अगर अपना ईमेल देना चाहते हो तो ईमेल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे बटन भी ऐड कर सकते हो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको बटन क्या होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल, ठीक है, अपना ईमेल एक ऐड कर लेता हूँ। ओके, एक मिनट यार, मैं अपना कीबोर्ड चेंज कर लेता हूँ।
एक ईमेल है, मैं अपना ऐड कर लेता हूँ बिजनेस का। तो मैंने यहाँ पे एक ईमेल ऐड कर लिया, शत्रुघ्न 3463। यार बहुत ही लंबा हो गया यार, एक मिनट, डबल हो गया। तो यार ईमेल ऐड करने के बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे, डन हो जाएगा, ईमेल भी हमारा ऐड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बटन ऐड करके, बटन क्या चीज़ है। तो बटन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आए। तो यार मैं यहाँ पे एक अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे देता हूँ फॉलो का, या तो ये वॉच वीडियो का देता हूँ, वॉच वीडियो पे क्लिक करके, और मैं अपना यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे देखता हूँ। जब वहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पे रिडायरेक्ट कनेक्ट कर देगा, ठीक है, रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे नहीं अपना चैनल का नेम लिख देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया अपना यूट्यूब चैनल का लिंक। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो गाइज ये शायद क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग लिख आ रहा है, बिकॉज यार यूट्यूब पे कुछ बग चल रहा है, कुछ दिन में सही हो जाएगा। मैं कुछ दिन के बाद ट्राई करूँगा, हो जाएगा, आप भी कुछ दिन के बाद ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। अदरवाइज़ आप क्रोम में जाकर फेसबुक को लॉग इन करके वहाँ पे कर सकते हैं, ईजिली क्रिएट हो जाएगा। तो इसके रहने देते हैं। तो एक्चुअली बटन क्या होता है मैं आपको बता दूं, अगर कोई बटन ऐड कर देते हो, इसमें से कोई भी ऐड कर देते हो ना, तो वहाँ पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा, जो भी आप इसमें से ऐड कर रहे होगे, तो वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, वहाँ पे वो पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे अगर आप ये ऐड कर दोगे बुक नाउ, तो वहाँ पे वो पहुँच जाएगा। व्यू गिफ्ट कार्ड पे ऐड कर दोगे तो वहाँ पे क्लिक हो जाएगा, और कल नाउ पे क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ईमेल उमेल व्हाट्सअप है सब कुछ, अगर वहाँ पे अगर एक करके सब कुछ वहाँ ऐड कर देते हो ना, तो एक क्लिक करेगा जो चीज़ आप ऐड कर रहे होगे वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये बस इसके बारे में आप समझ गए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके बारे में। तो गाइस हम लोग पेज हेडर और पेज इंफॉर्मेशन और के बारे में समझ गए। और बटन पे क्लिक करेंगे तो वही बटन आपको रिडायरेक्ट करेगा, वही बटन ऐड करने के लिए, एक्चुअली वही बटन जो आपने मैंने आपको बताया। ओके, तो फिलहाल इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ के टैब से इस पे देख लेते हैं इसको, क्या इसमें क्या सेटिंग है। तो गाइस एडिट ऑर्डर, तो इसमें आप कुछ छेड़खानी मत कीजिए, इसको रहने दीजिए ऐसे। और क्यूआर कोड है आपके चैनल का लिंक होगा, हाँ लिंक क्यूआर कोड है। अब इसको कोई सर्च करेगा तो डायरेक्ट आपके फेसबुक पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। और सेटिंग है तो सेटिंग पे क्लिक करके सेम वही सेटिंग आता है दोबारा, वही आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप भी इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम को। यहाँ पे जैसे है ना इंस्टाग्राम, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाए, दो स्टेप में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट, बस इतना ही आपको करना है, तो आपका फेसबुक पेज बन के रेडी हो जाएगा। और आप अपना नंबर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपना बैनर भी ऐड कर लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल का नेम और यूजर नेम टेक शत्रु। तो इतना चीज़ हो गया। तो अब मैं दिखाता हूँ अब कैसा आपको पब्लिक में कैसा दिखेगा। तो ठीक है यार, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं मेरे 17 फॉलोअर हो गए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक व्यू पे क्लिक करूँगा, मैं न्यू क्रिएट किया हूँ, लेकिन ये 2 घंटे के बाद ये जो है ये ट्यूटोरियल आपके लिए बना रहा हूँ। तो पब्लिक व्यू पे क्लिक कर, तो देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक, जब पब्लिक आपकी वीडियो देखेगी तो इस प्रकार से ये दिखेगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेस पब्लिक को दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ये जरूर आपको वॉच करना जाके फेसबुक पेज पे, और मुझको फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया जरूर फॉलो कर लेना। तो दैट्स इट, बस इतना ही आप यहाँ पे बना सकते हो। और यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, पोस्ट अबाउट कम्युनिटी शॉप ग्रुप, यहाँ सब कुछ आप देख सकते हो। अब देखते हैं कि फिर से आपने मैं रिफ्रेश करता हूँ मेरे अपने पेज में जाकर मेरा चैनल पेज क्रिएट हुआ कि नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरा ए टेक सत्रों के नाम से एक पेज क्रिएट हो गया है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। और एक बात का आप ध्यान रखना, और कि एक क्रिएटर स्टूडियो आता है, जैसे कि यूट्यूब के लिए होता है ना YT स्टूडियो, ऐसे लिए क्रिएटर स्टूडियो यूट्यूब के लिए होता है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपका अपना वीडियो और एनालिटिक्स सब कुछ वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये डाउनलोड किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है, यहाँ पे देख सकते हो एक वीडियो और पोस्ट अपलोड किया है। तो इस प्रकार से आप भी अपलोड कर सकते हो, बस अपलोड करने का फंडा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके वीडियो फोटो लाइव और टेक्स्ट सब कुछ यहाँ से अपलोड कर सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो, फोटो अपलोड कर सकते हो, लाइव जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो यहाँ से मैनेज। YT स्टूडियो लेकिन सेम है, ठीक है, यहाँ से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन जितना आएगा अब यहाँ से नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। तो दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है फेसबुक पेज बनाना, तो ये आपको बताना था। तो दैट्स इट, आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं, क्या क्या सेटिंग होती है, कैसे कैसे मैनेज करना होता है, कहाँ कहाँ से वीडियो अपलोड करना होता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि फेसबुक मोनेटाइजेशन के क्या क्या रूल होते हैं, फेसबुक पेज के मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या रूल क्राइटेरिया होते हैं मोनेटाइज करने के लिए, तभी मोनेटाइज हो पाता है, उस रूल को
पार करने के बाद ही मोनेटाइजेशन होता है। तो क्या क्या रूल हैं तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाऊंगा या तो कुछ दिन के बाद देखे हैं, तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आपको वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो आई बटन में मिल जाएगा। तो दैट्स इट, आई होप करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया, आपको अच्छे से कोई भी डाउट है हो अभी भी कोई आपके मन में डाउट हो तो मुझसे कमेंट ऑप्शन पूछ सकते हैं, या तो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, फेसबुक या ट्विटर पे कहीं पर भी फॉलो करके पूछ सकते हो, और सभी का यूजर नेम है शत्रुघ्न056। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी हो कीप ग्रोइंग कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, वी प्रोवाइड नॉट क्वांटिटी ओनली क्वालिटी, सो देखते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।